और आप देख रहे हैं एक ही खेती जानकारी यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज मैं एक खीरे के खेत में आया हुआ हूं और खीरे के खेत में किसान मित्रों माइट को किस तरह से पहचानेंगे और माइट को किस दवा से कंट्रोल करेंगे, यह जानने से पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने खीरे की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का उन्हें तुरंत नोटिफिकेशन किसान मित्रों मिल सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें खीरे की फसल में माइट की, तो खीरे में किसान मित्रों जो माइट होती है वो जो पत्ती होती है, किसान मित्रों ये जो खीरे का पौधा देख रहे हैं इसकी पत्ती के नीचे किसान मित्रों रेड माइट इसमें दिखाई देती है। इसमें किसान मित्रों ये जो फसल है इसमें माइट नहीं लगी हुई है, जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं इस तरह की किसान मित्रों माइट लगी हुई इमेज किसान मित्रों दिखाई देती है, जैसा कि आप इमेज में फोटो ये देख रहे हैं इसमें इस तरह की किसान मित्रों खीरे में जो माइट दिखाई देती है। और खीरे में किसान मित्रों जो माइट आती है वो रेड माइट आती है और यह जो पत्ती है किसान मित्रों वो पत्ती के नीचे हुए बैठी हुई दिखाई देती है। और यह माइट किसान मित्रों जब अधिक मात्रा में लग जाती है तो ये हमारे जो खीरे के पौधे से किसान मित्रों इसका रस चूसने लगती है, जिसके कारण जो हमारा खीरे का पौधा है वो पीले पीले दिखाई देने लगता है, खीरे की जो पत्तियां हैं वो पीली पीली दिखाई देने लगती हैं, खीरे की जो पौधे की बढ़वार किसान मित्रों रुक जाती है। अगर इससे हमने समय से कंट्रोल नहीं किया तो हमारे जो खीरे का पौधा है अच्छे से बढ़वार नहीं करता पाता है और हमारी जो फसल है खीरे की किसान मित्रों वो पीली पीली दिखाई देने लगती है। उसमें अधिक मात्रा में किसान मित्रों अगर यह माइट लग जाती है तो इस पर फल और फूल भी किसान मित्रों कम देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके कंट्रोल करने की दवाओं की जब हम बात करें तो बायो में अगर दवा की जब हम बात करें तो बायो पेस्टिसाइड किसान मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं ये रुद्रा नाम का सुपर एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी की दवा आती है। इसे 20 ml प्रति टंकी के हिसाब से अगर आपके खीरे की जो फसल है उसमें अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो किसान मित्रों जो आपके खीरे की फसल में जो आपकी रेड माइट है वो कंट्रोल हो जाती है। साथ में जो आपके थ्रिप्स भी लगा हुआ है और एसिड जैसिड भी लगा हुआ है किसान मित्रों उसको भी कंट्रोल करने का यही रुद्रा नाम की जो दवा है कंट्रोल करने का काम करती है। किसान भाइयों, अगर हम रासायनिक केमिकल की जब हम बात करें तो रासायनिक केमिकल में किसान मित्रों प्रोपियोराइड 57% इसी फॉर्म में आता है। उससे भी किसान मित्रों 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से आप अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं हमारे तो खीरे की फसल में जो माइट लगी हुई है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं यह किसान मित्रों कंट्रोल करने का काम करती है। और प्रोपियोराइड 57% मार्केट में किसान मित्रों बहुत सारी कंपनियों की आपको मिल जाएगी। यह धनुका कंपनी की मिल जाएगी आपको, मार्केट में गोदरेज कंपनी की मिल जाएगी। किसान मित्रों इन जो मैंने आप बताया इनका किसान मित्रों बहुत ही अच्छा प्रोपियोराइड आता है, मगर इसकी अदर क्रॉपों से जो खीरे की फसल में किड्स वाली फसलों में किसान मित्रों इसकी जो डोज है प्रोपियोराइड 57% की कोविड्स वाली फसलों में इसकी जो डोज है वो बहुत कम है। इसे 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से ही आप अपनी कोविड्स वाली फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर खीरे में इसकी मात्रा की जब हम बात करें तो खीरे में 1 ml पर लीटर पानी के हिसाब से प्रोपियोराइड 57% का अगर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो खीरे की जो रेड माइट है किसान मित्रों वो कंट्रोल हो जाती है। यह जो टेक्निक है किसान भाइयों वो खाली माइट को ही कंट्रोल करने का काम करता है। अगर आपके खेत में थ्रिप्स वाली दिक्कत है तो आप एसिटामिपेड इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं, तब आपके खेत से जो एसिड जैसिड थ्रिप्स है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। साथ में जो आपकी माइट है वो माइट आपको प्रोपियोराइड 57% ये ख़त्म कर देगा। तो किसान भाइयों, अगर आप केमिकल में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप एस्टामेपेड 20% SP फॉर्म में उसको प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप जो प्रोपियोराइड 57% है उसे किसान मित्रों 1 ml पर लीटर के हिसाब से प्रयोग करके इस किसान मित्रों अगर स्प्रे करते हैं तो आपके खेत से जो रेड माइट है आपके खीरे में वो भी कंट्रोल हो जाती है। और जो मैंने बताया आपको एस्टामेपेड 20% उसे 10 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से इन दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर स्प्रे कर देते हैं तो हमारे खेत से माइट और थ्रिप्स दोनों कंट्रोल हो जाता है और हमारा पौधा है वो किसान मित्रों रासायनिक तरीके से भी बढ़वार अच्छे खासे करने लगता है और पौधा अच्छे से खीरे का विकसित होने लगता है। किसान भाइयों, यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से इंटरेस्टेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।